ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने है कि आज हम डिस्कस कर रहे होंगे सेलिंग टेक्निक्स को, सेलिंग मेथड्स को डिस्कस कर रहे होंगे। आज के दिन में मैं आपको दो एडिशनल चीजें भी बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सेलिंग को कैसे स्पिन सेलिंग के जरिए इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ मेथड्स भी बताऊंगा सेलिंग के। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स का जानना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है सेल के हवाले से, कि सेल है क्या जी। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, और जैसे कि आपको पता है नॉर्मल तरीके से जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, जल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक छोटी सी दुआ से, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनत व फिर आखिरती हसनत व किना अज़ाब अन्नार। अल्लाह ताला हमें दुनियावी और आखिरी कामयाबी अता करे और दोज़ख की आग से महफूज रखे, आमीन। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इससे जो चीजें आज आप सीखें, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई चीज, कोई आइडिया क्लिक करता है आज की ट्रेनिंग में, तो डू इम्प्लीमेंट दैट प्लीज, क्योंकि अगर आप आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपको इसका फायदा होगा। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हो सकता है आपको इम्प्लीमेंट करते हुए थोड़े से चैलेंजेस आए, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको उस तरीके से फायदा नहीं हो पाएगा इसका। लिहाजा लेट्स जस्ट ट्राई टू लर्न टू इम्प्लीमेंट टुडे, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की। सेल्स क्या होती है जी, सेल क्यों होती है, और सेल की क्या अहमियत है, और क्या सेल करना अच्छा काम है या बुरा काम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई अच्छी जॉब नहीं है, सेल्स की जॉब अच्छी नहीं होती, सेल का काम अच्छा नहीं होता, आपको लोगों के सामने जो वो चीजें, सेलिंग सेलिंग इज नॉट समथिंग वेरी गुड, सम पीपल हैव दिस परसेप्शन। तो हम उस परसेप्शन के ऊपर भी बात करेंगे और आगे चल के कुछ डिटेल्स को भी देखेंगे कि हम कैसे इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। तो सेल होती क्या, अगर मैंने इसको आसान अल्फाज में डिस्क्राइब करना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ अमाउंट, कुछ पैसे या रुपी या करेंसी के बदले में आप जब कोई कमोडिटी लेते हैं, कोई आइटम परचेज करते हैं, कोई उसके बदले में ले लेते हैं, खरीदते हैं, ट्रेड है, छोटा सा एक एक्शन है जिसमें आप कुछ पैसे पे करते हैं और कोई कमोडिटी खरीद लेते हैं उसके बदले में, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कॉस्मेटिक भी हो सकती है, वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो घर भी हो सकता है, वो पेंट भी हो सकता है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो सेल्स इज ऑल अराउंड अस, सेल इज समथिंग के जो कि हम डेली बेसिस पे इस एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। एट टाइम्स एज अ बिजनेस पर्सन हम परचेज नहीं कर रहे होते, हम सेल कर रहे होते हैं, और एज अ कस्टमर हम एट टाइम्स इसको परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसका हिस्सा कंटिन्यूसली रहते हैं। तो सेल इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और आई टोटली बिलीव कि हम सब लोग जितने भी हैं, ख्वाह वो सेल्स के बिजनेस में हो या ना हो, हम किसी ना किसी टाइम के ऊपर सेल का काम जरूर कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सेल का काम क्या होता है, एट टाइम जब हम स्कूल में होते हैं, क्लास में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, तो हम अच्छी से अच्छी असाइनमेंट बना के उसमें ज्यादा से ज्यादा CGPA या मार्क्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने काम को सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि कहते हैं वो एम्प्लॉयज हैं, दे आर नॉट सेलिंग समथिंग, एक्चुअली दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज। एम्प्लॉयज अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं एक अमाउंट के बदले में, ठीक है, एक सैलरी उनको मिल रही होती है, कुछ उनको प्राइस मिल रही होती है सर्विसेज के बदले में, तो दे आर ऑल्सो सेलिंग देयर स्किल्स बेसिकली, एंड दे आर सेलिंग देयर टाइम। तो सेल इज एवरीवेयर, एट टाइम जब हम अपने किसी जानने वाले को अपने किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग एट दैट पॉइंट इज कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेल कर रहे होते हैं लोगों में। इसी तरह राइट नाउ मैं अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को सेल कर रहा हूँ, एक किस्म का मैं आपको अपसेल कर रहा हूँ। आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अडॉप्ट ऑल्सो, ऑल दो मुझे इसके बदले में सिर्फ आपकी जो प्राइस है, दैट विल नॉट बी इन द शेप ऑफ मनी, दैट विल बी इन द शेप ऑफ एप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेंस, ठीक हो गया जी। सो दैट इज समथिंग व्हाट आई एम आल्सो ट्राइंग टू डू राइट नाउ। तो एवरीबॉडी इज अ सेल्स पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट रोल्स के अंदर हम सेल कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट, कि सेल करना इज नॉट समथिंग जो कि एक खराब चीज है। अल्लाह माफ करे जिससे आप लोगों की बेइज्जती होती है या कोई आपकी इज्जत कम हो जाए होती है। यहाँ पे हमारे पास सेशन के अंदर मैम आसमा नूर भी मौजूद है, इन्होंने एक कोटेशन शेयर किया था कुछ अर्सा पहले ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो वाला, मैं अक्सर शेयर भी कर देता हूँ, आज उनकी प्रेजेंस के अंदर मैम का वो कोटेशन मुझे अभी तक याद है, मैं शेयर करूंगा। इन्होंने एक चीज शेयर की थी जिसके अंदर इन्होंने लिखा था, कोटेशन था बेसिकली, कि एक फीमेल कहती है कि जब मैं
15 साल, जब मैं 20 साल की थी तो मैं सोचती रहती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और इस डर की वजह से मैं कोई काम नहीं कर सकती। जब मैं 35 से 40 साल की हुई तो मुझे पता चला कि लोग जो उनसे हैं वो जो भी सोचते रहे, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे अपने काम के ऊपर फोकस रखना चाहिए। जब मैं 50 साल की हुई तो मुझे पता चला कि लोग पहली दफा ही मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे। तो हम लोगों की सोच की वजह से, लोगों के डर की वजह से, उनके फोबिया की वजह से बहुत सारे काम नहीं करते, और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी बड़ी इज्जत रहेगी। हालांकि आप सबको पता है इस चीज के बारे में कि हमेशा मेहनत करने वाला, कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने वाला जो उनसे, उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है लाइफ के अंदर, ख्वाह वो किसी भी रोल के अंदर हो। अगर एक शख्स दिल से मेहनत करता है, अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करता है, उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं, तो उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है मुआशरे के अंदर। एक अच्छे अल्फाज में, एक अच्छी नजरों से उसको देखा जाता है मुआशरे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव दैट फेथ एंड बिलीव कि सेलिंग इज समथिंग व्हिच इज ग्रेट। और आई विल गिव यू अनदर रीजन कि दुनिया का कोई भी बिजनेस सेलिंग के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेलिंग इज समथिंग जो कि हर बिजनेस का हिस्सा है। मैं इसकी एग्जांपल देता होता हूं, जैसे कि अगर बिल गेट्स विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बना के अपने पास रख ले और उसको मार्केट में सेल ना करे, तो उसको क्या फायदा होगा? क्या सेल के बगैर वो आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका नाम आता? ऑफ कोर्स उसका नाम अमीर तरीन लोगों में ना आता अगर वो सेल ही ना करता। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी मीडियम के ऊपर, देर आर वेज एवरीबडी सेलिंग। कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास, पाकिस्तान में जितनी बड़ी कंपनीज है, दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज है, वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है। इसके बगैर कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता। और आपको पता है कि बिजनेस, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जॉब से, तो बिजनेस पर्सन की ग्रोथ के ज्यादा चांसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट होता है, ओपनली खेल सकता है, ओपनली ग्रो कर सकता है, अपनी मर्जी से चीजें डिसाइड कर सकता है, लेकिन ऑफकोर्स इट हैज टू बी इन एथिकल वे। ठीक है, तो आपको फ्रीडम मिलती है बिजनेस के अंदर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता सेल के बगैर। ठीक है जी, तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले इसके बारे में होनी चाहिए। फिर सेल जोन सी है वो किस किस टाइप की होती है, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल होती हैं? तो इट्स नॉट ऑलवेज प्रोडक्ट्स जो आप सेल कर रहे होते हैं, एट टाइम्स ये सर्विसेज भी होती हैं। आप ओरिफ्लेम में क्या चीज सेल करते हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी होती है। टेंजिबल का मतलब होता है कि वो चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो इनटेंजिबल होती है उसको आप टच या फील नहीं कर सकते, दोज आर मोस्टली सर्विसेज। देन इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे इंटरनेट की सर्विसेज हैं। आप इनको टच या फील नहीं कर सकते, लेकिन आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं इंटरनेट की। इसी तरह केबल सर्विस आपके सामने है जी, केबल सर्विस की प्राइस होती है, उसके अंदर आप कोई हार्ड मटीरियल या टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं लेते, एक केबल आती है सिर्फ, और उसके जरिए या इवन के वाईफाई के जरिए बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग जो कि आप सर्विस, जैसे नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लें, नेटफ्लिक्स जो उनसे उसको आपने दैट इज अ इनटेंजिबल सेल बेसिकली। आप उसके पैसे पे करते हैं, ठीक ठाक अमाउंट, 1500-1600 रुपए मंथली पे कर रहे होते हैं आप कुछ चैनल्स के लिए, कुछ ऑनलाइन मटेरियल के लिए, लेकिन उसको आप सिर्फ देख सकते हैं और आप उसको टच नहीं कर सकते। सो दैट इज ऑल्सो इनटेंजिबल। ओरिफ्लेम में आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं इस चीज की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास ओरिफ्लेम में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, और ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर्स, ओरिफ्लेम के बिजनेस पर्सन्स इसको दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं। अगर हम बात करते हैं टेंजिबल की, तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी जो सी हैं टेंजिबल प्रोडक्ट सेल में आती हैं, टेंजिबल सेल में आती हैं। इनटेंजिबल के अंदर हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज नॉट समथिंग जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं और हमने दोनों को पैरेलल लेके चलना है अपनी बेहतर ग्रोथ के लिए। ठीक है, आई होप यहां तक हम सब लोग एग्रीड हैं और हमें बेसिक का पता चल गया है। नंबर वन बेसिक के सेल के बगैर कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एंड एवरीबॉडी इज अ सेल्स पर्सन एट सम पॉइंट। तो ये बेसिक अगर हमें पता चल गया है तो हम आगे चल सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको यहाँ पे कोई एतराज हो जो बातें अभी तक मैंने की है, कोई आपका लॉजिकल क्वेश्चन हो इसके बारे में, तो यू कैन आस्क इट राइट नाउ ताकि हम आगे मूव ऑन करें और फिर हम आगे चल के थोड़ी सी जी डिटेल्स देखें सेल के हवाले से, जिसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा और ओरिफ्लेम की जो सी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इज इट क्लियर? सो
फार इज इट क्लियर? नो क्वेश्चन. अच्छा जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा जी क्लियर है जी. अच्छा जी आगे चल के हम देखते हैं कि ओरिफ्लेम में हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल की कैटेगरी के अंदर. देखिएगा ओरिफ्लेम में मैंने आपको बताया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इनटेंजिबल एंड आवर प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले सेल का बेसिक रूल क्या है. जब भी आपने किसी भी बिजनेस में इन्होंने है और आप उसमें सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, किसी भी काम के अंदर इवन किया आपने अगर सक्सेसफुल होना है, आपने कोई भी सवाल का जवाब देना है, आपने कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन देना है, आपने कोई भी काम आगे करना है, आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है, आपने कोई भी प्लानिंग करनी है लाइफ के अंदर भी, खाली बिजनेस के अंदर नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास उस चीज के बारे में जिसपे हमने प्लानिंग करनी है या स्ट्रेटेजी करनी है हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज हो, हमारी बैकग्राउंड ठीक हो, यानी कि नॉलेज वाइज हमारी बैकग्राउंड ठीक हो, हमें पता हो, हम उस चीज में थोड़े स्पेशलाइज्ड हो, हम थोड़ा होमवर्क करें, हमारे पास नॉलेज हो उस इंडस्ट्री के हवाले से, उस प्रोडक्ट के हवाले से. ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि दो प्रोडक्ट्स हैं, एक हमारे पास टेंजिबल और एक इनटेंजिबल. टेंजिबल के अंदर हमारे पास वंस अगेन हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इनटेंजिबल के अंदर हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. ठीक हो गया जी, इतना आई होप आप सबको क्लियर है. अब आपका बहुत ज्यादा यानी कि ये फोकस होना चाहिए कि आप इसकी रिक्वायरमेंट को समझें. जब भी किसी चीज का जवाब देना है, किसी सवाल का जवाब देना है, तो सवाल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप ओरिफ्लेम के सिस्टम को समझ चुके हैं, ओरिफ्लेम के सिस्टम के बारे में आपके पास फुल अंडरस्टैंडिंग है और आपके पास प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल्स हैं, आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, ऑफ कोर्स आपके पास हर प्रोडक्ट के हवाले से फिंगर टिप्स पे चीजें नहीं होंगी, लेकिन देयर शुड बी 20-30-40 प्रोडक्ट्स जिनके बारे में जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, हर कस्टमर की जरूरत है, आपके पास फिंगर टिप्स पे उसकी डिटेल होनी चाहिए प्रोडक्ट की. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ ये चीजें जो बता रहा हूँ मैं इनको स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को जो उनसा आसानी हो जाए, अगर आप कोई चीज लिखना चाहें तो आप उसको साथ साथ लिख भी लें. तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू, मैं आपको जो उनसा ये डिटेल्स थोड़ी सी स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए ये वाला, और मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ चीजें ताकि आपको ये भूलें भी ना जी. ठीक है, सेल करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैं इनको लिख लेता हूँ साथ साथ ताकि आप लोग भी अगर बेशक स्क्रीनशॉट लेना चाहें फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे. मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली देख भी सकें जी. तो सबसे पहली चीज जो हमने बात की है इंपॉर्टेंट, वो आपके पास क्या होना चाहिए जी, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जी प्रोडक्ट नॉलेज. ठीक है, अगर हम टेंजिबल सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि वो सेल जो कि प्रोडक्ट के हवाले से है, वो चीज जिसको आप फील कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट नॉलेज इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर सेकेंड, सिस्टम इंफॉर्मेशन. मैं सिस्टम इन्फो यहां पर लिख रहा हूं. ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अपने बिजनेस को डेवेलप भी कर सकते हैं, आप ग्रो भी कर सकते हैं और आप लोगों के चांसेस ऑफ ग्रोथ भी इंक्रीज कर जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ भी इंक्रीज कर जाती है. प्रॉब्लम ये है, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि आप लोगों को कितना पता है इस चीज के बारे में. ये जो दो चीजें मैंने लिखी हैं, क्या आप ओरिफ्लेम के सिस्टम को फुली अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते, ये आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है. और अगर नहीं करते उस एरिया पे काम करना, प्रोडक्ट नॉलेज और सिस्टम नॉलेज, ये दो चीजें हैं. जब हम सिस्टम नॉलेज की बात करते हैं, इसके अंदर आपकी जो सिस्टम है ओरिफ्लेम का, जो हमारे पास प्रॉपर सक्सेस प्लान है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आती है, प्लस मार्केट इंफॉर्मेशन भी आती है कि आजकल मार्केट में क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, आपको किन ट्रेंड्स को फॉलो करना है, किस तरीके से बात करनी है, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इस इंडस्ट्री में जो कि हमारी सोशल सेलिंग की है, इसके अंदर क्या क्या चीजें जिसके ऊपर आप काम करके सक्सेसफुल हो सकते हैं. नाउ दिस इज समथिंग के जिसके बगैर, ये आप समझ लें
ये पिलर है आपके सक्सेस के, प्रोडक्ट नॉलेज एंड सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर स्पेशलाइजेशन अगर आप कर लेते हैं देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, आपका नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव कर जाते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, ये देखिएगा अगर हम बात करते हैं सेल की, ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या आ जाती है आपके पास कि आपके पास मार्केट इन्फॉर्मेशन भी हो, मार्केट इन्फो जहां पे आप टारगेट कर रहे हैं, ये तीसरी चीज आपके पास आ जाती है जो कि आप, आपको अगर पता होगी तो आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको चीजों की समझ आनी शुरू हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा आज आपके साथ शेयर करूंगा स्पिनिंग सेलिंग की। स्पिनिंग सेलिंग क्या होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। मैंने आपको वर्बली बतानी थी लेकिन आई रियली वॉन्ट यू टू मेमोराइज दैट, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक पिक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये याद भी रह जाए किसी तरीके से कि स्पिनिंग सेलिंग होती क्या है जी। चलिए हम यहाँ पे एक सिंपल इसी तरह एक एरो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, बना लेते हैं स्पिनिंग सेलिंग के लिए, ठीक है। और ये देखिएगा जी, स्पिनिंग सेलिंग ये होती है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ स्पिन सेलिंग क्या है आप इसको, कि आप अपने कस्टमर से सबसे पहले आपकी मार्केट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको आपकी टारगेट मार्केट का पता होना चाहिए। अब आपका ख्वाब वो कस्टमर टेंजिबल प्रोडक्ट का है या आपका इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो प्रोडक्ट मौजूद है दो से तीन मिनट के लिए आप उसको भूल जाएं, आप अपना फोकस लेकिन आपने क्या चीज सेल करनी है, आप शुड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सन जिससे आप बात करें। अगर तो आप उसको ऑफर करेंगे ना कि आपके पास लेस से बिजनेस अपॉर्चुनिटी है डायरेक्टली, या आप उसको बताएंगे कि मेरे पास फ्ला फ्ला प्रोडक्ट है, मेरे पास मस्कारा है, या मेरे पास स्किन केयर रूटीन है, या मेरे पास फ्ला 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 ऑप्शन है, तो ये ट्रेडिशनल सेलिंग में आ जाएगी, ठीक है, ये वाला तरीका का ट्रेडिशनल सेलिंग में आ जाएगा। अच्छा, आप कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हुए, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, आप जब भी आपका दिल करे आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इज अ टू वे प्रोसेस, आप अगर क्वेश्चन करेंगे हो सकता है बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिले या एटलीस्ट सोचने का मौका मिले उन चीजों के बारे में, ठीक है। तो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, आपको जहां पर दिल करता है विदाउट थिंकिंग कि ये गलत क्वेश्चन है या सही क्वेश्चन है, यू शुड आस्क क्वेश्चंस, अनम्यूट करके आप बेशक पूछ लेंगे। Can we sell some makeup products to parlor owners or makeup shop owners? देखिए, आप owners को बेच सकते हैं मैम लारेब, of course आप बेच सकते हैं, आप even के beauty parlors के अंदर भी अपनी product वहां पे use कर सकते हैं लोग, लेकिन देखिए हमारे पास हमारा retail का काम नहीं है, shop पे रख के नहीं वो बेच सकेंगे, owners किसी भी चीज के वो खरीद सकते हैं आपके product, ठीक है, लेकिन shop पे रख के retail का काम करना that is not right. That is not again. That is not जो कि originally आपको allow करता है, ठीक है? So you need to understand that difference only. और आप इसके अलावा beauty parlors के अंदर अगर कोई use करना चाहे आपकी product, they are most welcome. You should do that. अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ आप करते हैं ask questions. देखिएगा अब ये तो ask questions का first step है ना आपका, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ number one. You need to prop talk to people. जब भी आप किसी नए शख्स को मिलते हैं, आपका customer किसी भी industry से belong करता हो, आपका customer किसी भी सोशल स्टेटस से बिलोंग करता हो, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, यू नीड टू गेट अलोंग विद दैट पर्सन फर्स्ट, आपका उस शख्स को जानना, उससे बातचीत करना, एक कंफर्ट लेवल अपना डेवलप करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली किसी को जाकर बताएंगे कि मैं ओरिफ्लेम का ब्रांड पार्टनर हूं, आई हैव दिस ब्रांड एंड आई हैव दीस प्रोडक्ट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, तो वो भी जल्दी से कह देगा यस या नो, ठीक हो गया, आपने दूसरे को सोचने का मौका नहीं दिया। ओरिफ्लेम का जो बिजनेस है, ओरिफ्लेम की जो ऑप्शंस हैं, अगर आप इनमें लोगों को सोचने का मौका देंगे तो वो आपको ज्वाइन नहीं खाली करेंगे, वो साथ ऑर्डर भी प्लेस करेंगे, वो आपके मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मोस्टली लोगों ने शॉप पर दिए होते हैं प्रोडक्ट्स, अच्छा आप वो लोग जिन्होंने शॉप पे दिए, मैम सादिया किरण, अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है तो आप इसको coe.pakistan@oriflame.com पे विद प्रूफ डिटेल्स आप ये शेयर कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ coe.pakistan का ईमेल एड्रेस, आपको कोई भी इलीगल एक्टिविटी या कोई भी ऐसी रिपोर्ट होती है, चीज
इस दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस चीज को हाईलाइट करें, ठीक है। ये देखिएगा जी, ये मैंने आपको ईमेल आईडी जो उनसे है वो यहाँ पे टेक्स्ट में भी कर दी, यूनिवर्सिटी है वहां पर, पूरी शॉप ओपन है और फ्लेम के प्रोडक्ट्स के लिए इवन वहां पे जी। आप इसकी डिटेल्स प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और बहुत सारे इसके ऊपर जो है वो टर्मिनेशन भी होती हैं, बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं और लीगल एक्शन भी होता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज इसके ऊपर आप शेयर कीजिए, ठीक हो गया जी मैम सादिया। चलिए हम आगे आप ट्रेनिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं, ट्रेनिंग के हवाले से क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या आपके पास आते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप कंफर्ट जोन बनाएं और देन यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस, उनसे बातचीत करें, उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछे, बात को ड्राइव करें, डायरेक्टली जंप ऑन, आपको डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर अपने नहीं आना चाहिए टाइम जब आप सेलिंग के ऊपर होते हैं। ये हमें स्पिन सेलिंग की टेक्निक्स बताती हैं, ठीक है, कि हमने क्या करना है, आस्क क्वेश्चंस करना है। हमने जब हम क्वेश्चंस करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम एनालाइज करते हैं, हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, उनके रिस्पॉन्सेस को, और इस बेस के ऊपर हम उनका इंटरेस्ट लेवल देखते हैं। वंस अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दें, डायरेक्टली उनको बताना शुरू कर दें जी कि ये प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, इस प्रोडक्ट को आप यूज करें तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे और ये फायदे हैं और ये नुकसान है, ये चीजें आप बतानी शुरू कर दें। दूसरी आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है कि आप उनको स्टेप बाय स्टेप चीजों के बारे में बताना शुरू करें, पहले आस्क क्वेश्चन करें फिर एनालाइज करें कि उनकी जरूरत क्या है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग नीड, ठीक है, इसको कहते हैं नीड को आइडेंटिफाई करना। वो कब होता है, जब आप क्वेश्चंस करते हैं और फिर आप एनालाइज करते हैं रिस्पॉन्सेस को कि इस शख्स का इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या ये शख्स ज्यादा अच्छा ब्रांड पार्टनर बन सकता है, क्या मेरे नेटवर्क में ऐड हो सकता है, क्या बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, या ये शख्स प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। अगर एक शख्स को आप नहीं जानते विदाउट आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, आप कभी भी ये कंक्लूड नहीं कर सकते, एंड देन यू आल्सो नीड टू आइडेंटिफाई एंड यू आल्सो नीड टू यू नो एनालाइज दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। यहाँ पे सर, यूजुअली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेडीज इज हाउ मच इज दिस कॉस्ट, ठीक है, एंड आफ्टर टेलिंग देम द प्राइस दे शॉक्ड, ओह इट्स टू मच, कैन वी डू एट दैट टाइम, व्हाट कैन वी डू एट दैट टाइम। इस उस वक्त आपको उनसे पूछना चाहिए क्या फ्री में ये प्रोडक्ट चाहिए आपको। मैम सबिता, यू शुड आस्क हर इफ शी इज इंटरेस्टेड टू गेट ऑल दिस प्रोडक्ट्स फॉर फ्री, ठीक है, शी डज नॉट अफोर्ड देम एट दैट पॉइंट, लेकिन आप उनको कुछ ऐसी ऑप्शंस दे सकती हैं जिसके जरिए वो ये प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको एक सर्टेन टारगेट देती हैं 30 डेज में 100 बीपी की प्रोडक्ट्स को अपने सोशल सर्कल में प्रमोट करने का, और वो ऑर्डर ले आती हैं सर्टेन, तो वो अपना उसके अंदर से इमीडिएट प्रॉफिट भी अर्न कर सकती हैं, और उसके साथ साथ वो बहुत सारी और ऑप्शंस को भी अवेल कर सकती हैं, जैसे सेल्स एक्शन हो गया, वेलकम प्रोग्राम भी हो गया। सो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, दैट इज ऑल वी नीड, ठीक है, एंड अ सेल्स पर्सन ऑलवेज हैव आंसर टू एवरीथिंग। ये जो मैंने आपको जवाब बताया आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता भी होगा, ठीक है जी। सर, कुछ कस्टमर कह रहे हैं कि हम खुद ऑर्डर कर लेंगे, सो दैट इज फाइन, लेट देम ऑर्डर, लेट देम प्लेस एन ऑर्डर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं मरियम कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनके साथ क्वेश्चन आंसर करने, अपना कंफर्ट लेवल डेवलप करना है, अपना एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना। आपने प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट आना ही नहीं है अभी तक जहां तक हमने ट्रेनिंग ली, अभी तक हमने को प्रोडक्ट तो रिकमेंड की नहीं है किसी को, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चंस की है, बातों से बातें निकाल के, ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। यू नीड टू डेवलप दैट कंफर्ट जोन फर्स्ट, ठीक है, आपने कंफर्ट लेवल डेवलप करना है, उस के बाद आपने क्वेश्चन उनसे करने हैं डिटेल्स का, और वो आप तारीफ से बात स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को कॉम्प्लीमेंट करके बात स्टार्ट करें, आपका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। आप फॉर एग्जांपल, मैं अक्सर अपने लीडर्स को बताता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी ने जूती भी अच्छी पहनी है, कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, वाह व्हाट अ नाइस शू, आपने कहाँ से ये शूज लिया, अच्छा डिटेल जबरदस्त है, अच्छा, वहां से आप कन्वर्सेशन को ड्राइव करें। ऑलवेज स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज हाईली सजेस्टेड इन सेल्स, याद रखिएगा, आपका ट्रस्ट फैक्टर और आपका कंफर्ट लेवल बड़े अच्छे तरीके से इस तरह डेवलप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे को इम्पोर्टेंट फील करवाएं, फिर आप बात से बात निकालें, और फिर आप उनको पॉइंट पे ला सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट दे कैन डू जी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ गया, सेल्फ रजिस्ट्रेशन होती है मोस्टली लोगों के डायरेक्ट ऑरिजिनल वेबसाइट
से वहां से खुद आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं मैम सादिया, आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं, हमारे पास रिक्रूटमेंट विजिट की ऑप्शन है, जस्ट शेयर द लिंक विद दैट पर्सन, उनसे क्या आपने ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना है, दिस इज द लिंक यू कैन गेट रजिस्टर्ड थ्रू दिस लिंक, और वहीं पे आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, ठीक है जी। अच्छा वॉइस प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को, सिर्फ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आवाज ठीक। अच्छा फिर वो अगर एक भी शख्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है ना, तो इट मीन्स कि मेरे एंड पे फिर प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हैं, हो सकता है वो फिर आपके एंड पे प्रॉब्लम हो जी। अच्छा जी ओके सर थैंक्स, मैं काफी अच्छे से कर लेती हूँ कन्वेंस, बट मोस्टली ऐसा कहते हैं, तो दैट इज वंडरफुल मैम मरियम, हर लोगों की कन्विंसिंग पार्ट डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं दोबारा आप लोगों के जोन से, जी जी आपकी आवाज ठीक आ रही है, अच्छा मेरी आवाज ठीक आ रही है जी, बहुत प्रॉब्लम है आवाज में। अच्छा एक काम करें, गिव मी टू मिनट्स, लेट मी ट्राई टू फिक्स दिस वॉइस थिंग, ठीक है, गिव मी टू मिनट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू म्यूट माई सेल्फ और लेट मी फिक्स दिस, ठीक है। जी मुझे बताइएगा अभी आवाज क्लियर हुई है? यस सर, आवाज बेहतर हो गई है ना अब? जी सर बहुत बेहतर। अच्छा जबरदस्त हो गया, उसकी वजह ये थी कि मेरे पास कुछ चीजें डाउनलोड्स पे भी लगी हुई थी, मैंने कहा चले उनको मैं फिर अभी रोक देता हूँ, और जिसकी वजह से शायद ये ट्रबल आ रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट टूडे। अच्छा जी अब हम आ गए दोबारा टॉपिक के ऊपर, आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, फर्स्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर आपके टॉपिक की तरफ मैं आ जाता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा जी पहले हमने किया जी, हमने कंफर्ट जोन डेवलप किया, फिर हमने बातचीत स्टार्ट की, हमने आइडेंटिफाई किया, नीड किया है, जो क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल रहे हैं उनसे हमने एनालाइज किया। देखिए हो सकता है स्टार्टिंग में एक दो दफा आपको लोगों की समझ ना आए कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, लेकिन वंस यू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन, आप सोचना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना अकल के दरवाजे खुलते जाएंगे, फिर आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि किस शख्स का क्या इंटरेस्ट है, और स्पेशली कौन सी कैटेगरी के लोग, कौन से सोशल स्टेटस के लोग कौन सी ज्यादा चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। सो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड यू हैव ऑप्शंस फॉर एवरीवन बेसिकली, सो दिस इज व्हाट यू डू बेसिकली, कि आप आइडेंटिफाई करते हैं नीड क्या है, एट टाइम्स आपको ये नीड को डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, आपको नीड को डेवलप करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करते हैं, एट टाइम्स लोगों को नहीं पता होता उनको किस चीज की जरूरत है, ये आप देखिएगा डेवलप अ नीड, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, डेवलप नीड, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स आप जब शॉप पे जाते हैं ना आपको नहीं पता होता, और वंस आप वहां पे जाते हैं आप देखते हैं मेरे पास ऑप्शन ही एक अवेलेबल है कि यहाँ पे एक सेल्स पर्सन खड़ा हुआ है, और जोन्स है वो सेल्स पर्सन जोन्स है वो हमें गाइड करने के लिए मौजूद है यहां पे, ठीक हो गया। अच्छा जी आप लोगों के क्वेश्चंस मैं भी लेता हूं थोड़ी देर के लिए ना, हमारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे आ रहे हैं,
अभी ताकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, आई एम जस्ट गोइंग टू होल्ड द चैट ऑप्शन फॉर नाउ, ठीक है? और ये लास्ट क्वेश्चन जो अभी आ रहा है, मैं इस चीज के बारे में बात करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जी। अच्छा, हमारे पास सादिया, पेज नेम बताओ, मुझे कौन दे रहा है 100 रुपये में, 400 रुपये में शुगर स्क्रब, प्लीज हाईलाइट दैट। 400 का अगर कोई दे रहा है, प्लीज हाईलाइट दैट, कि अगर शुगर स्क्रब या कोई भी ऐसी ऑप्शन आ रही है जो कि ओरिफ्लेम की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। मैंने अभी अपना ना ईमेल आईडी यहां पे शेयर किया, COE, प्लीज शेयर ऑल दीज ऑप्शंस, ऑल दीज थिंग्स आप COE पे भेजें, बाकी इसको हैंडल कर लिया जाएगा विद डिटेल्स के कौन शेयर कर रहा है, ठीक है जी? अगर ऐसी कोई भी ऑप्शन आती है तो डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू, हमने मिलके सिस्टम को बेहतर करना है। अगर हम इस पे अपसेट होंगे और हम आपस में बातें करते रहेंगे तो इट्स नॉट इफेक्टिव। इसको इफेक्टिव करने के लिए हमें एक्शन लेना है, तो एक्शन के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 1 मिनट लगता है एक ईमेल करने में। आप सिर्फ लिख के डिटेल्स, कौन है, कहाँ पे कर रहा है, वो डिटेल्स और जो पेज का लिंक और बाकी की डिटेल्स आप शेयर करते हैं COE.Pakistan पे। ईमेल आईडी में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं ये वाला, ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब हम आगे डेवलप अ नीड। डेवलप नीड कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई ऐसा, हम जिसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमें उनकी बातों से ऐसे लगता है कि इनको इस चीज की जरूरत है। नाउ आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, वंस अगेन स्टार्टिंग विद अ कॉम्प्लीमेंट, डेवलपिंग कंफर्ट जोन, आस्क क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन इंटरोगेटिव वे में नहीं आपने पूछने, फिर उनके जवाब सुने ज्यादा। सेल्स पर्सन जो सक्सेसफुल होते हैं ना, और जो पढ़े लिखे सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो लोगों की बात सुनते भी हैं, खाली अपना नहीं बोलते, याद रखिएगा। इससे क्या फायदा होता है कि आपको पता चलता है दूसरे की रिक्वायरमेंट क्या, दूसरा सोचता किस तरीके से, वो एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है सेल्स पर्सन का, खास तौर पे जो सक्सेसफुल होते हैं। फिर एट टाइम जब लोगों को पता नहीं होता उनकी नीड क्या, जस्ट लाइक आप किसी शॉप में जाते हैं, सामने एक सेल्स पर्सन खड़ा होता है और आपको आपको आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं होती, यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन, और वो जिस चीज के ऊपर हाथ रख के आपको बता देता है कि ये जी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा यही सेल होती है। अब वो सेल होती है या नहीं होती, हम उसको फुली ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर एक प्रोडक्ट पड़ी हो, वो कहता है कि आखिरी रह गई, यदि सारी की सारी सेल हो गई है, आप वो चीज उठा के ले आते हैं और बाद में वो 12 प्रोडक्ट्स नहीं निकाल के दोबारा शेल्फ में लगा देता है। दीज आर ऑल सेल्स टेक्निक्स, ठीक है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी व्हेन वी डोंट हैव एन ऑप्शन तो वी हैव टू ट्रस्ट पीपल। लेकिन जो तरीका कार मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला तरीका कार है और आपकी रिप्यूट भी बेहतर रखेगा, ठीक है? आपने डेवलप करनी है नीड तीसरे स्टेज के ऊपर, ठीक है? और आप क्या करते हैं, फिर उनको सजेस्ट करते हैं। कभी भी ये तीन आप चीजें करें अभी फिलहाल, और मैं आगे चल के आपको दो चीजें और बताता हूँ इसके बारे में। कभी भी जोन से ना, जब आप सजेस्ट कर रहे होते हैं ना चीज को, एक चीज मत भूलिएगा कि यू आर अ ब्रांड, ठीक है? जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड की डेफिनेशन क्या होती है कि आपकी रेपुटेशन आपको ब्रांड बनाती है। आपका इंटरेक्शन जब किसी के साथ होता है, बेशक वो कुछ मिनट्स का हो, वो आपको ब्रांड में कन्वर्ट करता है, वो आपका एक ब्रांड का इमेज क्रिएट करता है, वो इंटरेक्शन लोगों को याद रह जाता है। एट टाइम्स वो बहुत प्लेजेंट होता है, एट टाइम्स वो ज्यादा प्लेजेंट नहीं होता। ये सारा कुछ आप ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी ब्रांड के बारे में। तो याद रखिएगा, देर आर टू मेथड्स बेसिकली जिनको आप, जिनमें से एक को आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं लॉजिक सेलिंग, ठीक है? जब आप किसी को चीज सजेस्ट करते हैं ना, एक होता है लॉजिक सेलिंग। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल होती है ना, आप उसकी नीड जबरदस्ती ड्राइव करके दूसरे को जो उनसे है ना रिकमेंड कर देते हैं। प्रोडक्ट नीड को आप डेवलप करके जबरदस्ती कर रहे होते हैं, लोगों की चीजों को नहीं देख रहे होते। इट्स मोर ऑफ सेलिंग, बेसिकली सेलिंग ऑफ कॉमोडिटी में आ जाती है ये, ठीक है? इसको इसको आप समझ लें कि सेलिंग ऑफ कॉमोडिटी है। सेलिंग ऑफ कॉमोडिटी, चले हम आइटम्स लिख लेते हैं आसान अल्फाज के अंदर, सेलिंग ऑफ आइटम्स या सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं ऑन और ज्यादा आसान अल्फाज के अंदर। तो प्रोडक्ट नीड आप डेवलप करते हैं, उसके बाद आप सेलिंग की तरफ आ जाते हैं और आप एक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। वो प्रोडक्ट स्किन केयर की भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट कोई भी चीज हो सकती है, वो मस्कारा भी हो सकता है, वो लिपस्टिक भी हो सकती है। ये लॉजिक सेलिंग होती है कि जिसके अंदर आप प्रोडक्ट नीड देख के तो आप साथ ही प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं, और ये इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड पैशन सेलिंग होती है एक चीज, ठीक है? ये जो पैशन सेलिंग होती है ना,
इसके अंदर आप किस चीज को सेल करते हैं, किस चीज को प्रमोट करते हैं जो कि इंटरेस्ट होता है किसी भी शख्स का। ये जो इंटरेस्ट आप डेवलप करके या इंटरेस्ट क्रिएट करके जब आप किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, ये ब्रांड इमेज आपका बेहतर करता है। ठीक है, याद रखिएगा जब आप इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं ना किसी शख्स का, उसको फोर्स नहीं करते, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, दिस इज ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग। आप अगर फॉर एग्जांपल एट टाइम्स किसी को कोई भी ऑप्शन रिकमेंड करते हैं, वो उस टाइम आपसे नहीं भी परचेज करता और आप उसको फ्री हैंड देते हैं, ये शख्स आपकी आइदर वो टेंजिबल सेल में इंटरेस्टेड हो या इंटेंजिबल सेल में इंटरेस्टेड हो, वो शख्स बाद में आपको आपके सिर्फ उस इंटरैक्शन की बेस के ऊपर कॉन्टेक्ट करता है। याद रखिएगा, ऑलवेज प्रेफर पैशन सेलिंग एंड नेवर फॉरगेट योर ब्रांड इमेज, कि आपने अपना इमेज मेंटेन करना है। याद रखिएगा, जो आपकी ऑन स्पॉट सेल होती है उससे बहुत बड़ी चीज आपका ब्रांड इमेज होता है। लिहाजा जब आप इंटरेस्ट की बात करते हो और नीड की बात नहीं करते, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर जाते हैं, दैट इज समथिंग जो कि आपको सक्सेसफुल करती है। यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल स्टेप्स आपको बताए हैं, तीन हमारे इसके अंदर मेन चीजें थी, दीज आर वेरी लॉन्ग टॉपिक्स, अगर मैं इनके ऊपर बात करना चाहूँ, डिटेल्स आपको बताना चाहूँ तो ये पूरा पूरा दिन का बेसिकली आप समझ लें कि मैं आपको इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, स्पिन सेलिंग के ऊपर, लॉजिक सेलिंग और पैशन सेलिंग के ऊपर, लेकिन मैंने इसको बहुत समराइज वे में आपको बताया है। कट शॉर्ट द पॉइंट्स विच यू कैन इम्प्लीमेंट, मैंने उन चीजों को डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, पहला हमारे पास है स्पिन सेलिंग, स्पिन सेलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, आस्क क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई नीड, एनालाइज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर आप डेवलप भी नीड अगर करनी पड़ती है उसके बाद आप सजेस्ट करते हैं, लेकिन इन अ वे कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आपका ब्रांड इमेज मेंटेन रहे। नाउ दैट इज समथिंग के एक छोटे से इंटरेक्शन जो कि आपका उस वक्त कन्वर्ट होता है सेल में या नहीं होता, आप एक प्रोफेशनल वे के अंदर, बहुत अच्छे वे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर देते हैं, और जो सेल होती है ये हमेशा लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पे, रिपीटेड कस्टमर ऑलवेज कॉस्टलेस, रिपीटेड कंज्यूमर ऑलवेज कॉस्टलेस। ये कुछ हमने सेल्स की टेक्निक्स अभी हमने देखी हैं और सीखी हैं, जिनका आप अगर स्क्रीनशॉट अपने लिए कन्वीनियंस के लिए लेना चाहें, यू कैन टेक दैट स्क्रीनशॉट टू जस्ट टू मेमोराइज, अगर आपने लिख लिया, अगर आपको याद रहेगा, जो भी आपके लिए आसान है वो आप करें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हम जैसे कि बात करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं देर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि आप फेस करते हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मेरे से यहाँ पे हमारी एक ब्रांड पार्टनर ने क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन ये किया था कि मेरे पास लोग इंटरेस्टेड होते हैं और जैसे प्राइस ऊपर बताती हूँ मैं, तो वो कहते हैं कि ये नहीं जी, हमने जो उनसे हम नहीं खरीद सकते ये। तो मैंने, उन्होंने मेरे से पूछा इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो मैंने उनको बताया कि उनको बताया अगर दे आर इंटरेस्टेड इन फ्री प्रोडक्ट्स। नाउ क्या चीज है, आप उनको एज अ सेल्स पर्सन यूज कर रहे हैं स्टार्ट में, आप उनका सोशल सर्कल यूज करने के लिए उनको इन्विटेशन दे रहे हैं। ठीक है, आप उनको इन्विटेशन दे रहे हैं कि वो सोशल सर्कल को अपने यूज करें और इतने की सेल करें तो आप 2000 रुपए की फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे 10000 रुपए का ऑर्डर लाती हैं, 20% इमीडिएट प्रॉफिट, आप सारा का सारा इमीडिएट प्रॉफिट भी उनको दे देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जोन से 2000 रुपए की शॉपिंग कर सकेंगे। ठीक है, कैटलॉग प्राइस के ऊपर आप अगर उनको चीज दे रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में वो आपकी मेंबर बन जाए, हो सकता है वो फ्यूचर में बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाए, वो आपसे पूछेंगी कि आपको क्या फायदा है, क्या डिटेल्स है, एंड दैट विल बी द पॉइंट जब आप अपनी इनटेंजिबल प्रोडक्ट जो कि आपके पास आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो आप उनको डिलीवर कर सकते हैं आसान और फास्ट करने के। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई करें। जब मैंने यहाँ पे लिखा है ना आइडेंटिफाई नीड, ये आइडेंटिफाई नीड के अंदर आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूं क्या ये प्रोडक्ट कंज्यूमर है या बिजनेस पर्सन बनेगा। ठीक है, बिजनेस के ऑप्शन तो आप किसी भी पॉइंट पे दे सकते हैं, आप समझ रहे हैं, अगर वो आपने स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, डिटेल्स बताई, और अगर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो ऑलवेज अवेलेबल है आपके पास देने के लिए। ठीक है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को भी प्रेजेंट करते हैं।
जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे, आप क्या हर उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होंगे जिसमें आपको फायदा हो रहा है, तो दूसरों के फायदे की आपने बात करनी है। जब आप अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे ना, इस नियत से बात करेंगे कि मेरी सेल हो जाए प्रोडक्ट, तो फिर दूसरा दूसरे को नहीं महसूस होगा इस चीज का कि आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं। वंस अगेन स्टार्टिंग कमिंग बैक टू द वेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो, आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन हो, और ओरिफ्लेम सीआरपीओ की बात कर रहा हूँ मैं, और ओरिफ्लेम की जो हमारे पास टोटल ओवरऑल सक्सेस प्लान है उसकी बात कर रहा हूँ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लर्न दीज थिंग्स एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट एज वेल, कि मार्केट के अंदर क्या है, पाकिस्तान में कौन कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। मुझे आप बता दें कि कहीं पे मार्केट में जाके कहीं से भी मैं क्या, इवन के लोकल प्रोडक्ट की भी बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकल का और इम्पोर्टेड का देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैंने कोई भी प्रोडक्ट लेनी है जेन्युइन, क्या कैन आई गारंटी, कैन यू गारंटी कि मैं कोई भी चीज जो मार्केट से जाके ले रहा हूँ बड़े से बड़े स्टोर में वो फर्स्ट कॉपी पड़ी हुई है। जबकि ओरिफ्लेम की सबसे जबरदस्त बात यह है, अभी जिन्होंने बताया कि प्रोडक्ट सामान पे पड़े हुए हैं, हमने कहा कि उनका नाम शेयर कर दें, हम वहां से प्रोडक्ट्स भी हटवा देते हैं, हम उनको वार्निंग्स भी दे देते हैं, हम इस चीज को खत्म भी करवा देते हैं, और उस ब्रांड पार्टनर जो किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, ठीक हो गया। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी इंश्योर कि प्रोडक्ट मार्केट में ना हो, डायरेक्ट कंपनी से आपको आए, ताकि उसमें कोई चांस ही ना रहे कि कोई कॉपी कर सके उसको, ठीक हो गया। सो एक बहुत बड़ी एज है। तो आपके पास और कौन सी ऑप्शन ऐसी अवेलेबल है मार्केट में, अगर हम मार्केट की बात करते हैं, हर चीज की कॉपी, हर चीज की, यहाँ पे आप यकीन करें आई कैन नॉट ट्रस्ट के, मैं अगर कोई बाहर जाके कोई इवन के ड्रिंक भी लेता हूँ तो आई कैन नॉट ट्रस्ट के ये जेन्युइन है, इसके अंदर कोई लोकली यहाँ पे किसी ने मैन्युफैक्चर नहीं की हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स को वॉयलेट करते हुए, जबकि हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर हम ये चीजें गारंटी कर रहे होते हैं। सो दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल। अगर किसी को 100 रुपया 150 रुपया ज्यादा भी देना पड़ता है, उनके अपने फायदे की बात है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं अक्सर ये क्वेश्चन पहले भी पूछता होता था कि आपने अपने फेस के ऊपर एक क्रीम लगानी है, ठीक है, और आप अपनी स्किन को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो क्या आप कोई सस्ती क्रीम लगाएंगे ऐसी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, या आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके एक स्टैंडर्ड की गारंटी वाली चीज लेंगे, ठीक है, दुनिया की टॉप 10 ब्रांड्स की कोई आप प्रोडक्ट लेंगे जो कि जिनका एक इमेज है, जिनकी एक रेपुटेशन है। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है जी, डिफरेंस सिर्फ रेपुटेशन का ही होता है ना, लोगों के फीडबैक का होता है, फायदे का होता है। तो लोगों के पास आपने ये नीड को डेवलप करना है, आपने ये अवेयरनेस डेवलप करनी है लोगों में कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि अगर वो थोड़ी सी सस्ती चीज पे जाते हैं, व्हाई वुड यू प्ले विद योर स्किन विद अप्लाइंग समथिंग व्हिच इज चीप इन प्राइस। आप अपने फेस के ऊपर तो रिस्क कभी भी नहीं ले सकते ना, कोई भी वाइज शख्स अपने फेस के ऊपर रिस्क नहीं लेगा, ठीक है। तो ये सेंस आपने लोगों में डेवलप करनी है कि वो अपने फेस के ऊपर रिस्क क्यों लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप पैसा किस काम का है, अगर आप अपनी जात के ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है, और आप अपने 200-400-500 सेव करके लेस से यू आर अप्लाइंग समथिंग चीप ऑन योर फेस, कल को कोई रिएक्शन हो जाता, कोई प्रॉब्लम हो जाता, और आप यकीन करें इमीडिएट नहीं भी होता, तो स्लोली ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो रही होती है स्क्रीन, आपकी स्किन। तो ये चीजें आपके ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट के साथ जो उनसी हैं वो नहीं हो रही होती, आपको फायदा हो रहा होता है, ग्रेजुअल फायदा होता है, मैजिक नहीं होता, क्योंकि हर नेचुरल चीज जो है नेचुरल। आप ये देख लें, जब आप वेट लूज करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर तो वेट लूज नहीं होता, 5-10 दिनों में भी नहीं होता, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस ना। लेकिन अगर आप वही दवाइयां खाने शुरू कर दें, मेडिसिन लेनी शुरू कर दें जो कि अननेचुरल होती है, देर आर सम नेचुरल थिंग्स एज वेल, लेकिन अननेचुरल जो उनसे होती है, अगर आप वो लेके जल्दी रिजल्ट हासिल करना चाहें क्या होगा, अननेचुरल वे हो जाएगा एक, जिसका आपको अब उस टाइम शायद ना पता चले, आपको सबके वाओ कि आपने कितना वेट लूज किया, आप बड़े जबरदस्त हो गए, बड़े पतले हो गए, वाओ हमारे लिए आप इंस्पिरेशन है, लेकिन यू विल नो फ्रॉम इनसाइड कि आपने जो अननेचुरल वे अडॉप्ट किया है इस चीज का, उसके जब इफेक्ट्स होंगे, उसके जब साइड इफेक्ट्स होंगे, तो आप सफर करेंगे, कोई और सफर नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि डिफरेंस क्या, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स का एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। एक तो गारंटेड जेन्युइन है, सेकेंडली एक प्रोसेस से गुजर के आई हुई है प्रॉपर प्रोडक्ट, ठीक है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई need of customer, you need to develop it, you need to spread this awareness about products, iske fayde aur details ye aapne batane hain, theek hai। ab hum thodi si detail dekhte hain, hamare paas Oriflame ke andar ek system hame sales ka suggest karta hai demo, I hope you still can see the screen, maine chat aap logon ke liye roki hai, lekin you can still unmute your mic and talk।
ये देखिएगा जी, हमारे पास ओरिफ्लेम में जब भी आप किसी के साथ प्रोडक्ट के हवाले से मीटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बातचीत की, आपने आइडेंटिफाई किया नीड को और आपको पता चल गया ये शख्स प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कैटलॉग दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में एकदम कैटलॉग लेके जाके साथ सामने नहीं रखते किसी के। देयर इज अ वे, मेक द बेस फर्स्ट, रिलेशनशिप का सबसे पहले बेस बनाते हैं। हमें जितनी मर्जी जल्दी हो लेकिन यू नीड टू मेक द बेस फर्स्ट, ठीक है, और फिर आप पॉइंट पे आते हैं। कोई भी बात आप डायरेक्टली जोन से पॉइंट पे नहीं आते जब तक आप उसकी बेस ना बनाए। हमारे नॉर्मल एथिक्स है, खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स को किसी कंपनी ने फायर भी करना हो ना, टर्मिनेट भी करना हो, तो अगर जब वो सामने बिठा के बात करते हैं ना, तो पहले वो कंफर्ट लेवल एक बनाते हैं, आराम से बातचीत करते हैं, वो देखते हैं ये शख्स किस तरह का है, ये किस तरह बेहोश तो नहीं हो जाएगा, इसको हम खतरनाक न्यूज बताएंगे कोई तो, ठीक है। दे एनालाइज थिंग्स फर्स्ट एंड देन दे गिव दैट बैड न्यूज एज वेल, ठीक हो गया। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दी है कि देयर इज ऑलवेज अ बेस व्हिच यू मेक ऑफ योर कन्वर्सेशन ऑफ और योर पॉइंट। आपने कोई भी पॉइंट पे आना है तो पहले आपने उसके ग्राउंड्स बनाने हैं, ठीक है, आपने सूटेबल ग्राउंड्स बनाने, फिर आपने पॉइंट्स बनाने। डायरेक्टली कैटलॉग किसी के सामने नहीं रखनी, स्पेशली अगर वो नया बंदा है। अगर आप बिजनेस की बात करें दैट इज समथिंग एल्स, अगर आप अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं दैट इज समथिंग एल्स, अपना रिलेटिव है दैट इज समथिंग एल्स, यू नो हाउ टू डील विद देम। अपने फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स को तो आप ये भी कह सकते हैं यार ये मेरी कैटलॉग है, नया बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे 10,000 रुपए के ऑर्डर चाहिए यार। वो कहेगा यार मुझे तो प्रोडक्ट यार, बस मैं कह रहा हूँ ना, जस्ट ट्रस्ट मी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू दैट विद योर फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आप इस तरह भी डील कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट डू इट विद अ स्ट्रेंजर। सो हर एक को ट्रीट करने का, बात करने का तरीका का डिफरेंट होता है, और आप लोग, आप अल्लाह ताला ने हम सबको ये सेंस दिया कि हम इन चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप कैटलॉग दिखाते हैं, जब हम ओरिफ्लेम की बात करते हैं आप कैटलॉग दिखाते हैं, फिर आप स्किन केयर रूटीन्स और बाकी की अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, फिर उनके फायदे की बात करते हैं, और फिर आप ऑनलाइन सेलिंग के जरिए भी जोन से वो नए कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं जी। ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त वे है, मैं इनको स्किप करके डिफाइन पे आ रहा हूँ। वंस अगेन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ओरिफ्लेम का जो हमें सेलिंग मेथड है वो यही चीजें सिखा रहा होता है कि यू नीड टू डिफाइन, आपने लोगों की नीड को डिफाइन करना है। डिफाइन का मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करना, आस्क क्वेश्चंस, फिर आप एक्सेप्ट करें, उनसे एक्सेप्टेंस ले लें, उनसे पूछें इस चीज के बारे में, क्या जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इज दैट योर नीड, जस्ट टू बी कन्फर्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज की जरूरत है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, टेक कन्फर्मेशन। फिर अगर लैसे वो डिफरेंट कोई चीज बता देते हैं या वही चीज बताते हैं, फिर आपने देखना है, बाद में देखना है कि आपके पास वो चीज अवेलेबल है या नहीं, आप समझ रहे हैं। अगर तो आप ये करेंगे ना कि आप एक प्रोडक्ट जोन्स है वो रख लेंगे सामने और फिर कस्टमर की नीड को उसके मुताबिक डेवेलप करेंगे, सो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच ना, ये फिर लॉजिक सेलिंग में आ जाता है। आपने इंटरेस्ट सेलिंग की बात करनी है। इंटरेस्ट सेलिंग में क्या होता है, आपने पहले उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, फिर आपने देखना है कि आप उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर आपने मैच करना है कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हेयर कलर मांगते हैं, आपके पास हेयर कलर नहीं है, आप उनको ये बता सकते हैं हमारे पास कलर रिवाइव शैम्पूज हैं, आप हेयर कलर कोई भी यूज करें, अच्छी क्वालिटी का यूज करें, कोशिश करें उसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो, लेकिन उसके बाद आप हमारा ये शैम्पू यूज करें, आप उसको रिवाइव कर सकते हैं अपने कलर, ठीक है। आप कलर हेयर कलर किसी का भी यूज करें लेकिन आप अपने बालों को कलर को रिटेन कर सकते हैं ज्यादा देर तक, तो आप यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। तो आपने क्या किया, आपने मैच कर लिया ऑप्शन को, फिर उसके बाद आप फाइनल एक्सेप्टेंस लेते हैं। सो दिस इज द रूल ऑफ डामा जो कि हमें ओरिफ्लेम का सक्सेस प्लान सजेस्ट करता है। इसको इम्प्लीमेंट कर लें, जो चीजें मैंने आपको इम्प्लीमेंट बताई आसान अल्फाज के अंदर आप उनको इम्प्लीमेंट कर लें। इज द सेम थिंग, क्या आपने सबसे पहले कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करना है, फिर कोई चीज रिकमेंड करनी है। वो कस्टमर आपका टेंजिबल सेल का, इंटेंजिबल सेल का, प्रोडक्ट का है या आपका वो बिजनेस ब्रांड पार्टनर बनना चाह रहा है, दैट कम्स आफ्टरवर्ड्स, ठीक हो गया। सो दिस इज समथिंग जो कि आपने ये चीज करनी है। याद रखिएगा कैटलॉग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी सेल के नंबर को इंक्रीज करने में। कैटलॉग एक ऐसी चीज है जो कि आप समझ लें कि आपकी शॉप है, आपकी आउटलेट है। आपके पास जितनी ज्यादा कैटलॉग्स होंगे, जितनी ज्यादा आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वापस लेंगे, कभी भी कैटलॉग को गिफ्ट नहीं देते। जब आप कैटलॉग को गिफ्ट दे देंगे तो वो फिर शेल्फ साफ करने में उनका पेपर यूज हो रहा होगा, एंड दैट इज योर आउटलेट बेसिकली, एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट, ठीक हो गया जी। आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब भी किसी को प्रोडक्ट किसी को कैटलॉग दें तो उसे वापस लेने के लिए आप उसको दें, उसे कहीं 4-5 दिन आप कैटलॉग रखें,
आई हैव लिमिटेड कैटलॉग्स, लेकिन आई वांट टू गिव इट टू यू. इफ यू लाइक एनीथिंग लेट मी नो, जस्ट गो थ्रू दैट एंड आई विल गिव यू अ कॉल, और मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एज वेल, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, दिस इज हाउ यू कैन गो फॉरवर्ड. ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप कि आपने आज थोड़ी सी डिटेल्स देखी. आज हमने तीन चीजें एक किस्म की डिस्कस की हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्पिनिंग सेलिंग क्या होती है, थोड़ी सी कि आप किस तरीके से लोगों से क्वेश्चन करके एनालाइज करते हैं उसके रिक्वायरमेंट को. फिर हमने थोड़ा सा देखा था कि डिफरेंस क्या होता है लॉजिक सेलिंग के अंदर, और जब आप इंटरेस्ट सेलिंग की बात करते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, ठीक है. आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ी सी चीजें समझ आई हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको इम्प्लीमेंट करें इन चीजों को. बेसिक रूल्स को मत भूलिएगा. मैं हर ट्रेनिंग में जोन से है वो आपको सबको बताता हूँ कि जब भी आप परेशानी में, जब भी आप टेंशन के अंदर किसी को कोई चीज रिकमेंड करेंगे, लोगों को लगेगा कि आप मजबूर हैं या आप फोर्स्ड हैं, तो फिर लोग आपकी बात ना मानेंगे ना सुनेंगे. जब आपकी आवाज में पैशन होगा, आप में एनर्जी होगी, आपके फेस पे स्माइल होगी, आप खुश होकर बात करेंगे और नए शख्स के साथ आप कॉम्प्लीमेंट से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली जोन से सक्सेस की तरफ आगे जाएंगे और आप अपनी सेल को कन्वर्ट भी कर सकते. ठीक हो गया जी. सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कुछ चीजें समझ आई हैं. नाउ आई एम गोइंग टू अलाउ द चैट, और उसके साथ साथ जोन से आप अगर कोई क्वेश्चन अनम्यूट करके करना चाहें, यू कैन ऑल्सो डू दैट. ठीक हो गया जी. आप व्हाटएवर यू प्रेफर, आप चैट में क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं. आपके अब आपके जो भी क्वेश्चंस आप करें. पहले कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे, फिर मेरा ध्यान उधर जा रहा था, मैं बात भी नहीं कर पा रहा था. इसलिए आई होप कि यू डिडंट माइंड कि मैंने थोड़ी देर के लिए आप सबके फायदे के लिए चैट को थोड़ी देर के लिए. ठीक है जी. तो नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस व्हाटएवर यू लाइक. कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है गलत है या सही है, जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क. आई विल अप्रिशिएट ऑल्दो कि अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ग्रेट. स्पिन सेलिंग रिक्रूटमेंट की तरफ लेके जा सकती है, बिल्कुल लेके जा सकती है मैम अस्मा. उसकी वजह यह है कि आप जब एनालाइज कर रहे होते हैं ना, जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो आप टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों के क्वेश्चंस कर सकते हैं उनसे. ठीक है, तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं आपकी आपकी ड्राइव हो सकती है रिक्रूटमेंट की तरफ आपके स्पिन सेलिंग. अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी हमारे पास शेयर सम आइडियाज बेस्ड कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा जी, शेयर सम आइडियाज एंड वेज टू कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टार्ट विद योर फैमिली मेंबर्स, स्टार्ट विद योर रिलेटिव्स, स्टार्ट इन योर स्ट्रीट. आपके जो गली में लोग रहते हैं उनको आप बता सकते हैं, उनमें अगर आपकी किसी के साथ सलाम दुआ है, अच्छी फ्रेंडशिप है, आप उनको बता सकते हैं, उनके सोशल सर्कल को यूज करें. इट्स अ नेवर एंडिंग चेन बेसिकली. आप समझ रहे हैं, जब आप लोगों से लोगों का कनेक्शन बनाते हैं, मैं कहता हूँ इट्स अ नेवर एंडिंग चेन. एक एक कैटलॉग स्टार्ट करें, दो दो कैटलॉग दे दें, देखें कैसा रिजल्ट आता है, लेकिन ऑलवेज टेक योर कैटलॉग बैक, डू नॉट गिव. अच्छा जी सर, आपने डामा की स्लाइड शेयर की हैं, काइंडली वो अगेन शेयर कर दें, स्क्रीनशॉट मिस हो गया जी. मैं अभी शेयर कर देता हूँ, मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, मैं क्वेश्चंस पे हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. मैम शादी अगर ना किया आप अनम्यूट करके मुझे बताइएगा. ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ जी. मोर रेफरेंस भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जी. How is that possible to give discount more lesser than our price? That is not possible, Fiasa. That is not possible कि आप price से कम discount दें. हाँ, there is just one possibility कि आप अपनी जेब से पैसे डाल के तो दें. That is not recommended at all. That is extremely condemned by Oriflame कि अगर आप किसी को भी printed price से कम कोई चीज देते हैं, आपके पास 20% का margin है, you can play with that. आप उसको कम करना चाहें, ज्यादा करना चाहें, you can adjust that as per the need of your customer. और आपको अगर किसी को ज्यादा डिस्काउंट देना है, आपको 20% का रूम है आपके पास थी. लेकिन अगर आप उसको प्रिंटेड प्राइस से कम पे देते हैं और हमें पता चल जाता है, देन जो उनसे आपकी मैं बात नहीं कर रहा फयाज साहब, लेकिन अगर हमें पता चलता है वो टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट. और आपको पता है कि अभी आप लोगों को शायद ना पता हो, जितने ब्रांड पार्टनर्स हमारे पास, जितने पीजी लीडर्स हैं, उन सबको इस चीज के बारे में अवेयरनेस है कि कितनी चीजें लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे लोगों के. थैंक यू वेरी मच मैम निशा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स जी. म्यूट योर माइक जी. ओके, किसी का माइक जोन से है वो अनम्यूट है. चले जबरदस्त हो गया जी, उनका भी माइक म्यूट पे चला गया जी. आउटस्टैंडिंग सेशन जी, थैंक यू वेरी मच मैम मुनेजा जी. इतनी जल्दी कोई बिलीव नहीं करता जी. ऑफकोर्स कोई भी बिलीव नहीं करता मैम बुशा, याद रखिएगा 80-20 का रूल है. 80% आपका रोल है, 20% कंपनी का है. 80%
आपकी बात करने के तरीके पे, आपने किस तरीके से बात किया उसके ऊपर, और इसके अलावा आप कितनी स्माइली फेस से बात कर रही हैं, कितने पैशन से बात कर रही हैं, इस चीज के ऊपर जोन सा है ना आपका, कोई भी शख्स आपको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। लिहाजा इम्प्रूव योर वे, इम्प्रूव योर ब्रांड इमेज, आप अपना बात करने का तरीका, और अपने आप को ग्रूम करके बात करें, पैशन से करें, सिस्टम सीख के करें, प्रोडक्ट नॉलेज लेके करें, ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई अंडरस्टैंड के लोग डिले से यानी कि टाइम लगाते हैं चीज को समझने में, बिलीव करने में। अच्छा जी, जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मैम मरियम फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी ग्रेट मीटिंग, मुझे ऐसे समझ आई है जैसे मुझे अपनी डायरेक्टर अपनी मुनजा की समझ आती है, जबरदस्त जी। ऑल्सो थैंक्स टू माई डायरेक्टर, मेरा लेक्चर में था, क्लास छोड़ के आई थी। ओए ये आपको नहीं करना चाहिए था, हम आपके लिए सेशन दोबारा अरेंज कर लेते, स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। मुझे बहुत अच्छा लगा मीटिंग अटेंड करके, जबरदस्त जी, मोस्ट वेलकम जी, कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग्स, इनवाइट मोर पीपल, अपने रिक्रूट्स को भी इनवाइट करें, प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करें। जज़ाकअल्लाह सर फॉर मीटिंग, रिपीटेड कस्टमर्स एंड कस्टमर कॉस्ट लेस, व्हाट डज इट मीन, कैन एक्सप्लेन। देखिएगा मैम सईदा, जब आपने एक कस्टमर को अपना अपना इमेज अच्छा क्रिएट कर लिया, आपने किसी के साथ भी आपने बातचीत की, आपने ब्रांड के ऊपर फोकस किया, आपने अपने इमेज के ऊपर फोकस किया रादर देन के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो शख्स जो आपके ब्रांड इमेज को देख के और आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देगा ना, वो कभी भी फिर दोबारा किसी और ब्रांड पे नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं, आपने अगर किसी के साथ बातचीत की है, अपना रिलेशन बिल्ड कर लिया, और जब आप किसी नए शख्स को ढूंढती है ना अपना ब्रांड पार्टनर बनाने के लिए, अपनी अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाने में, या नया कस्टमर ढूंढते हैं, दैट ऑलवेज कॉस्ट मोर। ये आप जरूर याद रखिएगा इस चीज को, दिस इज अ नॉर्मल रूल कि वो कॉस्ट ज्यादा करता है। ठीक हो गया? अच्छा, कुछ लोगों के माइक जो उनसे हम अनम्यूट हो रहे हैं गलती से, शायद मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी, और जी रिपीटेड कस्टमर एंड कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर हमेशा कॉस्ट लेस करता है, याद रखिएगा। यानी कि आपको नई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, आपके पास कंज्यूमर ऑटोमेटिकली जब दोबारा आता है, कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता खाली पैसे, कॉस्ट का मतलब आपका टाइम भी होता है। आपके पास एक कस्टमर बन गया, आपका एक लॉयल कस्टमर डेवलप हो गया, कंज्यूमर डेवलप कर लिया आपने एक अपने ब्रांड इमेज को कन्वे करते हुए, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा, आपको उसको दोबारा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। कट शॉर्ट आपके क्वेश्चन का आंसर ये है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी, 20% से कम भी कोई डिस्काउंट दे रहा है, अगर ऐसा है किसी की आइडियाज का किसी को भी आइडिया नहीं तो वो लाजमी ब्लॉक करवाना ऐसे लोगों को, क्योंकि हमें हमें ही नहीं बल्कि ओरिफ्लेम को ऑफिशियली भी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मैम सादिया किरण, ऐसे लोगों को हाईलाइट करें। देखें, ओरिफ्लेम के सिस्टम को हम सब ने मिलकर चलाना है, हमने अडहेयर करना है ओरिफ्लेम जो हमें चीजें बताता है, जो पॉलिसीज, और आप सबके बेनिफिट के लिए ये चीजें हैं। इसके अंदर हमारे पास कंट्री लॉज भी हैं, इसके अंदर हमारे ओरिफ्लेम की पॉलिसीज भी हैं, विच आर बेस्ट फॉर योर ओन इंटरेस्ट। ठीक है सर, अगर 20% ऑफ पे नहीं देना चाहता, आपकी मर्जी है। कंसल्टेंट प्राइस पे जाता है तो कैसे टैकल करके बिल अवेलेबल होता है पार्सल में, कुछ कस्टमर एडवांस पेमेंट नहीं देते, इनका कुछ सोल्यूशन। जी मैम अजीजा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रही हैं कि 20% इमीडिएट प्रॉफिट जो उनसे है, जब हम किसी को डायरेक्ट डिलीवरी करवाते हैं तो वो तो कम प्राइस पे जाता है, तो मुझे 20% इमीडिएट प्रॉफिट कैसे मिलेगा? इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जिसको ऑर्डर भिजवा रही हैं, आप उनको बताएं कि आई एम ब्रांड पार्टनर विद दिस कंपनी, ठीक है, आपने आपको जो बिल आएगा मेरा ऑलरेडी कंपनी के साथ जो उनसे है वो मेरे नाम पे, पहली बात है बिल आएगा अगर वो आपका कंज्यूमर है, ठीक है, तो पहली बात यह है कि मेरे नाम पे बिल आएगा, और मेरा कंपनी के साथ जो उनसे है वो ब्रांड पार्टनरशिप है, मेरे उनके पास बाजूकात पैसे होते हैं, बाजूकात आपको जीरो में भी बिल आएगा, बाजूकात आपको कम पे भी बिल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम अफीफा, अगर आपने किसी कंज्यूमर को एक लेस से 5,000 रुपए की प्रोडक्ट भिजवाई है, लेकिन कंपनी के अकाउंट के अंदर आपका 2,000 रुपया पहले सबमिटेड था, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 2,000 रुपया अवेलेबल था, तो अब क्या होगा, बाकी 3,000 के लिहाज से आपको प्रोडक्ट जाएंगी, वो 2,000 रुपया आपका एडजस्ट हो जाएगा आपके ऑर्डर के अंदर। अब अगर वो कस्टमर आपको कहता है मैंने 2,000 रुपया नहीं देना आपको क्योंकि मेरे पास बिल ही 3,000 का आया है, सो यू नीड टू मेक दैट कस्टमर अंडरस्टैंड कि आप ब्रांड पार्टनर है और आपके एट टाइम्स कंपनी के पास पैसे भी होते हैं, ठीक है। आप उनको अमाउंट बता सकती हैं कि ये अमाउंट आपके बिल में आएगी, बाकी के पैसे आपने मुझे पे करने, अगर आप पहले पे कर देंगे दैट विल बी वंडरफुल, अगर आपने बाद में पे करने हैं स्टिल यू कैन डू दैट। तो इस लिहाज से आप अपना जो है
20% का मार्जिन सेव कर सकते हैं डायरेक्ट डिलीवरीज के ऊपर, ठीक है सर। बारे में अंदाज ज्यादा मैटर करता है जी सर, बात करने का अंदाज बहुत ज्यादा, जी बिल्कुल जी मैटर करता है जी सबका जी बिहेवियर की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसा है मैम मरियम, बिहेवियर मैटर्स अ लॉट, आपका एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट, दैट इज समथिंग जो कि आपको सक्सेसफुल करता है या नहीं करता जी। Agreed, repeated customer are most loyal, they are and they cost you less. Okay sir, thank you very much, I'm a teacher, my dusri teacher ki help li, then class leave ki, both thanks, aapne kaha tha ki again session karwa lete ji, zubardast ji, thank you very much ji for joining this session ma'am Mariam, kafi information mili hai, thank you so much, thank you ji, thank you for kind words, knowledge wale slides. हाँ जी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये जो सी प्रोडक्ट नॉलेज वाली स्लाइड्स आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसके बाद ये बस ये आखिरी क्वेश्चंस में थोड़े से देख लूँ, सम पीपल आर जस्ट सो रूड, अच्छा राइट आपने लिखा हुआ रूड प्रॉब्ली, ठीक है जस्ट सम पीपल आर वेरी रूड, रूड देखें मैं मरियम ऐसा है कि आप लोगों का ना बात करने का मुख्तलिफ तरीकाकार होता है, एट टाइम्स पीपल आर नॉट रूड लेकिन हमें लग रहा होता है वो रूड है, मैंने इसकी एग्जाम्पल दी थी कि मेरा इंटरेक्शन हुआ किसी शख्स के साथ अभी रिसेंट पास्ट के अंदर, और उस शख्स वो मुझे तुम और तू कह के बुला रहा था जबकि वो मुझे नहीं जानता था, और इसी तरह जब हमें तुम और तू कह के को बुलाता तो हमें लगता है कि वो रूड हो रहा है, एक्चुअली वो लोग रूड नहीं हो रहे होते, लोगों का बात करने का तरीका ऐसा होता है, उनकी जुबान ऐसी होती है, आप समझ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पीपल आर नॉट रूड दे आर जस्ट डिफरेंट, तो हमें इस चीज को फील नहीं करना चाहिए, एक सेकंड के लिए मेरे माइंड में भी आया कि यार ये किस तरीके से बात कर रहा है लेकिन उसका स्टाइल ही ऐसा था बात करने का, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एज एजुकेटेड पीपल के लोग डिफरेंट हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट देम, ठीक है तो बाजू का हर शख्स हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन यही डिफरेंस है ना, एक एक उस शख्स में जिसके पास नॉलेज है और एक वो शख्स जिसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है सो दैट मेक्स यू डिफरेंट एज वेल, और जी जी ऑफ कोर्स जी एनीबॉडी कैन लीव, जी जी वालेकुम अस्सलाम, जी वालेकुम अस्सलाम, जी सर मैंने एक बात शेयर करना चाह रही थी सर, लोग कन्विंस भी हो जाते हैं, लोग लोगों को हम जो ना गाइडलाइन भी दे लेते हैं लेकिन वो जब टाइम आता है ना उनका कुछ करने का या उनको वो इस बात पे आ जाते हैं कि हम लोग सॉरी ये जो ना प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हैं और लेते हैं और साथ ही जो है ना ज्वाइनिंग भी करते हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे 2-3 दिन के बाद या 1 वीक के बाद वो लोग कहते हैं नहीं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो ऐसे है, ये तो कोई फ्रॉड होगा, ये वो होगा, ये होगा, और ऐसा इनफैक्ट मेरा कहने का मतलब जो मैं मेन बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि कुछ लोगों ने कंपनी का नाम ऐसा मिसयूज किया है, प्रोडक्ट्स को ऐसे मिसयूज किया है कि लोगों का जो है ना वो कॉन्फिडेंस ओरिफ्लेम से बहुत कम हो गया है जी। मेरा पहला टिप बताएं कि जिससे हम मतलब लोगों को कन्विंस करने में थोड़ी हमें जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो रहा है और इजीली हम उनको जो है ना वो इस बात पे ला सकें। जबरदस्त जी एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, मुझे बताएं कभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आया, ये बाकी लोगों को मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, आप ये स्लाइड को बेशक प्रिंट लेते आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, अभी आपको कभी इस तरह का प्रॉब्लम आया कि आपको ट्रस्ट इश्यू हुआ, आपको लगा हो कि कंपनी फ्रॉड है या मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, कभी डर लगा? नो सर मैंने तो ज्वाइन की हुई है मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं फील हुआ, और नहीं ज्वाइन करने से पहले लगा था थोड़ा सा डर कि ये क्यों होने लगा है, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा जब मैंने डिसीजन लिया क्यों नहीं लगा करना, क्यों नहीं लगा सर, सोचा ही नहीं कभी मतलब कोई फ्रॉड हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं लगा आपको, मैं होता आपकी जगह पे मुझे तो लगता डर भी लगता, नया काम है, नया काम मैंने इनफैक्ट मेरे जो है ना फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी कर रही थी तो अगर कोई फ्रॉड होता तो 2-3 साल में उनके साथ भी कोई ना कोई फ्रॉड तो हो जाता, दैट इज वंडरफुल, देखिएगा आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया, हर शख्स को डर लगता है अपने माइंड में रखिए, ये जायज है, आपको इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स देखी, आपने देखा ऑलरेडी लोग जो उनसे ही काम कर रहे हैं उनके साथ कभी खुदा ना खास्ता कोई गलत नहीं हुआ कुछ, ठीक है कोई फ्रॉड नहीं हुआ, तो वो कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, तो आप ऐसे लोगों को सबसे पहले प्लेटफॉर्म दिखाएं, उनको ज्वाइन करने का कहें ही ना, उनसे कहें जस्ट लुक एट द ऑप्शन, कीप कमिंग, कीप मीटिंग पीपल, जब वो लोगों से मिलेंगे ना अपनी तरह के, जब लोग उनको बताएंगे, जब कंपनी, मैं कंपनी हूँ ठीक है, मैं कंपनी एंड के ऊपर हूँ, जब मैं किसी को बताऊंगा प्रोबेबली पीपल विल नॉट बिलीव, लेकिन जब आप किसी को बताएंगी ना People will believe.
क्योंकि आप उनकी साइड के ऊपर है, आप समझ रहे हैं, देर आर टू ब्रांड पार्टनर्स ना, एक कंपनी एंड है और एक आप है. जब आप अपने एंड की डिटेल्स बताएंगे, पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग, आप लोग आपकी बात भी मानेंगे. उनको ऐसे लोग खास तौर पे, पीपल आर डिफरेंट वंस अगेन जी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और वंस अगेन अगर ऐसे लोग जो कि एकदम डिसीजन नहीं मेक कर सकते, उनको टाइम दें, उनको क्या सिर्फ ऑप्शन एक्सप्लोर करें, इसके सिस्टम को समझें, और आप भी सिस्टम को इन डेप्थ समझें. मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब आप सिस्टम को इन डेप्थ समझ लेंगी ना, आप यकीन करें आपको हर अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है? सर और मैंने उनको तो दिखाएं, सर मैंने उनको आपको दिखाएं, बताएं ना उनको. ऐसे लोग जो कि ट्रस्ट नहीं करते, उनको दिखाइए, ओरिफ्लेम का प्लेटफॉर्म दिखाएं, उनको वीडियोस दिखाएं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, उनको लोगों के टेस्टिमनीज दिखाएं, टेस्टिमोनियल दिखाएं लोगों को, उनको लोगों को लोग किस तरह सक्सेसफुल हो रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, इंटरनेशनल टूर्स विन कर रहे हैं, उनकी वीडियोस दिखाएं, उनको मेगा ओएम का सेशन अटेंड करवाएं, उनको ये वाले सेशन अटेंड करवाएं. जब वो ये चीज अपनी आंखों से देखेंगे ना, उनका आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट फैक्टर जोन से वो डेवलप होगा. गिव देम टाइम, सम पीपल नीड टाइम. और लोग शुरू में अगर आपके साथ ज्वाइन भी कर लेते हैं ना, अगर वो सही बेसिस के ऊपर ज्वाइन नहीं करेंगे ना, तो वो ऑर्डर ही नहीं प्लेस करेंगे. जब उनको किसी शख्स को समझ नहीं आती ना किसी चीज की, वो कभी भी वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, याद रखिएगा. अगर किसी को आप ज्वाइन करवा लेंगे, उसको पता नहीं होगा ना इसमें फायदा नुकसान क्या, मैंने क्यों ज्वाइन किया, उसको रीजन ही नहीं पता होगी, तो वो ऑर्डर ही नहीं प्लेस करेगा. उसको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है, उसको सिस्टम का ही नहीं पता, उसको पता नहीं है कि ओरिफ्लेम क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है. ही विल बी लाइक इन अ डार्क एरिया ना, उनको नहीं समझ आएगी कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना है क्या नहीं करना. तो डोंट वरी, ऐसे चैलेंजेस आपको आएंगे, यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, और उनको को टाइम दें और उनको चीजें दिखाएं, दैट्स इट. कभी भी वो कहते हैं ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये हवा और मट्टी, वो कहते हैं ना, आप जितना मट्टी में मुट्ठी में दबाते हैं, अपने हाथ को ज्यादा जोर से दबाते हैं, वो बाहर निकलती है. कंज्यूमर एंड कस्टमर्स आर जस्ट लाइक दैट. जितना ज्यादा आप जोर से मुट्ठी को दबाएंगे ना, आपके ब्रांड पार्टनर्स निकल जाएंगे, ठीक है? आपने आराम से उनको ऑप्शन देनी है, सोचने की दिखाएं उनको ऑप्शन, लेकिन आपने ये भी मेक श्योर करना है, इन द मीन वाइल जब आप सारी ऑप्शन उनको दिखा रहे हो, कहीं और पे जाके ना वो ज्वाइन कर ले, ये आपने मेक श्योर करना यस सर, सर मैंने फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया था तो मेरी फ्रेंड ने ओनली मुझे कॉल करके कहा कि आप ना ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लो. मैंने 2018 में फर्स्ट में ज्वाइन किया था, देन कुछ जी. प्रॉब्लम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा. तो मैंने समझ ओनली उसकी कॉल पे ही, मैंने जी. नहीं उससे पूछा कि ये क्या चीज है, क्या इस मतलब इसमें हो रहा है क्या नहीं. मैंने कहा यार तुम कह रही हो ठीक है कर दो. तो जी अब जब पीपल से बात करती हूँ मैं, लोगों से, हालांकि वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स भी मैं यूज कर रही हूँ, तब से मैं कर रही हूँ, मतलब 2018 से मेरे घर में यूज हो रही है, चाहे मैंने छोड़ा है फिर भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो मैं ओरिफ्लेम की ही यूज कर रही हूँ. दैट इज तो गुड. लेकिन मैं लोगों ने यहाँ पे उनके स्किन, शायद यही बात आ जाती है कि मीटिंग्स अटेंड ना करने की वजह से, या पहले वो इतना क्योंकि कराची में तो मे भी हो सकता है, लेकिन जो अदर सिटीज हैं वहाँ पे नहीं होता होगा कि हम लोग, हमें ये फैसिलिटीज मिलती हैं कि हम जाके अटेंड कर सकें, जैसे अब तो ऑनलाइन सिस्टम है. ऑनलाइन आप तो सबको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, सॉरी मैं आपकी बात काट गया हूँ, दैट इज वंडरफुल. आप अपनी बात पहले चलें कंप्लीट कर लें. लोगों ने ना गलत रिकमेंडेशंस दी हैं, उनको स्किन को नहीं देखा, उनको गलत प्रोडक्ट्स दे दी, जिसकी वजह से वो हार्मलेस उनकी हो गई स्किन, जो है ना वो हार्मफुल हो गई और बहुत जो है ना मिसयूज होता रहा उनके साथ. तो इस वजह से अब जब किसी से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं यार, मेरी अपनी बहुत करीबी दोस्त है, उसके साथ किसी ने ऐसे ब्लेंडर किया, उसकी स्किन इतनी डैमेज हो गई कि अब मैं उसको अगर कहूँ ना कि आप, मैं रिकमेंड कर देती हूँ यार तुम ये करो ये बहुत अच्छी है, कहती नहीं मैंने पहले यूज करके, मैंने अभी अपना चेहरा ना बड़ी मुश्किल से स्किन केयर के पास जा जाके 1.5 साल में ठीक करवाया है. जी बिल्कुल सही है, मैं समझ गया जी. इसके ऊपर आपने जो उनसे ना ऐसे केसेस के अंदर वंस अगेन जी, हमारे एंड पे ही गलती है, ब्रांड पार्टनर्स, इसी में कहता हूँ ना, नॉलेज और प्रोडक्ट की नॉलेज लें सबसे पहले, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लें, फिर किसी को चीज रिकमेंड करें, ताकि गलत चीज रिकमेंड ना हो जाए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करें उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जी, उनके सोल्यूशन, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है? उनको फोर्सफुली कॉमोडिटीज बेचने का फायदा नहीं है, कोई प्रोडक्ट बेचने का फायदा नहीं है, आपने सोल्यूशन को सेल करना है. सो देर आर बैड एक्सपीरियंसेस एज वेल, ट्राई टू मेक देम राइट, ट्राई टू करेक्ट देम इफ यू कैन. दिस इज ऑल आई कैन से अबाउट दिस. अच्छा जी, दूसरा ये मैं एक इंपॉर्टेंट चीज, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन एंड योर फीडबैक एंड योर कमेंट्स जी. अच्छा, इसके अलावा थैंक जो यू उनसे सर. एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा वो ये कि अभी ना ये बिजनेस जो है ना ओरिफ्लेम का डिजिटल हो गया, आपको पता है सोशल सेलिंग की तरफ चले गए हैं, आने वाले टाइम के अंदर ये
अभी आपके सामने है कि अभी हमने पिछले मंथ के अंदर भी जो हमने हाईएस्ट कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किए एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ओरिफ्लेम, ठीक है। तो अभी आने वाले डेज के अंदर लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म और फ्रीडम ऑफ टाइम की क्या अहमियत होती है, तो लोग बहुत सारे इसको ऑप्ट कर रहे हैं और इस बिजनेस में इन हो रहे हैं, डे बाय डे नंबर इंक्रीज कर रहा है लोगों का इस टाइम के ऊपर। अगर आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, चीजों को सीख लेते हैं, अभी बहुत पोटेंशियल है, अभी बहुत पोटेंशियल है। और इस टाइम के ऊपर अगर आपने अभी स्टार्ट कर लिया वह ज्वाइन कर लिया वह, ये वो एरा चल रहा है जिसके अंदर जितने लोग ज्वाइन करके और इस बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे ना, वो आने वाले दिनों के अंदर बड़े लीडर्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी हाई टाइम कि आप इसको स्टार्ट करें और इसको एक दफा ट्राई करके देखें, हो सकता है आपके लिए ये बहुत बेहतर हो। अच्छा, अभी आखिरी कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, मैं चैट को रोकने लगा हूँ यहाँ पे, और आखिरी जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं वो मैं देख लेता हूँ। और आई होप कि आप लोगों ने इन द मीनवाइल स्क्रीनशॉट सारों ने ले लिए हैं, वो मैं दिखा रहा था फ्रॉम टाइम टू टाइम। और यहाँ पे अब मैं आखिरी क्वेश्चंस पढ़ने लगा, मैं नए क्वेश्चंस नहीं ले रहा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। सर, हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो हमें डराते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ये इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं सिर्फ महंगी हैं, ये ज्यादा अफेक्ट करती हैं हमारे बिजनेस को। सेम सिचुएशन जी, ठीक है जी। तैयब मकसूद साहब देखिएगा, सबसे पहले याद जरा खुद सोचिएगा इस चीज के बारे में कि व्हाट डू यू हैव टू लूज। आप ओरिफ्लेम के साथ कोई इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे, ठीक है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ना ओरिफ्लेम आपको स्टॉक करने के लिए कहता है, ना ओरिफ्लेम कहता है कि आप हमसे 25,000 की चीजें ले ही लें या 10,000 की चीजें ले ही लें आप, ऐसा तो ओरिफ्लेम कहता ही नहीं आपको, ठीक है। ओरिफ्लेम आपको ऑप्शंस देता है, आपकी चॉइस है अगर आप उनको ऑप्ट करना चाहें या ना करना चाहें, दैट इज टोटली अप टू यू। हम सिर्फ बताते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये फायदे हैं, तो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं देन ट्राई टू डू इट ताकि आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिल सके, जैसे वेलकम प्रोग्राम के बेनिफिट्स हैं, जैसे सेल्स एक्शन के बेनिफिट्स हैं, ये नए लोगों को वन टाइम वंस इन अ लाइफ टाइम मिलते हैं, ठीक है। आप जब ज्वाइन करते हैं सिर्फ तब मिलते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद आपको नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप इनको मिस आउट करना चाहें यू कैन ऑल्सो डू दैट। व्हाट डू यू हैव टू लूज, यानी कि इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस आप मुझे दिखा दें जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, ठीक है, और आपके पास ग्रोथ की इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जितनी इतनी ओरिफ्लेम में आपको प्रोवाइड करें, तो आप उनको इस चीज के बारे में बताएं। सेकेंडली, आप उनको बताएं कि उनसे फिर पूछिएगा भी साथ, जो लोग कहते हैं ना कि ये प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है या सिर्फ महंगी है, उनको सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स बताइएगा। ओरिफ्लेम दुनिया की टॉप 10 ब्रांड्स में आता है और हमेशा से टॉप 10 ब्रांड्स में रहा कॉस्मेटिक की, ठीक है, यूरोप की डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि एक शख्स के साथ या एक शख्स को एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, एक कंट्री में खराब प्रोडक्ट्स बेचने के लिए दुनिया की टॉप 10 ब्रांड्स पिछले 10 साल से पाकिस्तान में तो नहीं ऑपरेट करेगी ना। Just think about it. उनसे क्या थोड़ी रिसर्च कर लें इस चीज के बारे में, उनको ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन, उनसे क्या आप खुद वेरीफाई करें इस चीज को, क्या ये सच कहती है कंपनी या नहीं कहती। आप उनको ऑप्शन दें, सोचने का मौका दें, और उनसे उनको बताएं कि देखें कि ये कंपनी जो उनसे 60 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद है, इसकी अपनी चैरिटीज हैं, अपनी चाइल्डहुड, अपनी ओरिफ्लेम फाउंडेशन है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, पायनियर जाने जाते हैं हम प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए। Why would Oriflame do that? और Oriflame को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी लोकल ब्रांड के साथ, कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ, आपको हमेशा महंगी लगेगा Oriflame। Oriflame को आपने अगर कंपेयर करना है ना दुनिया की बाकी की टॉप ब्रांड्स के साथ करें, ठीक है, जो उसके आस पास की स्टैंडिंग के हैं, 2-4 स्टैंडिंग्स नीचे जाएं, 2-4 स्टैंडिंग्स ऊपर जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि Oriflame की क्या स्टैंडिंग और क्या क्वालिटी है जी। जो न्यू होते हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, अगर वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और वर्क भी करना चाहते हैं, इनमें लिए क्या है। अच्छा, इनके लिए क्या है जी, मैं मुशरा देखिएगा, सबसे पहले वंस अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप अगर ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल होना चाहें, ओरिफ्लेम का सिस्टम समझें, ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट नॉलेज लें और फिर मार्केट देखें, ठीक है, ये आपने खुद देखनी है चीजें, ये आपने खुद सीखनी है चीजें। हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं लेकिन यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, आपको इन सारे सवाल के ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो लोग जो कि पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ काम करना चाह रहे हैं, तो ओरिफ्लेम तो आपको फुल फ्रीडम देता है, उनको सिर्फ आप ऑप्शंस बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं, एकदम अगर आप किसी पे इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो जॉब नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन को। वो कहते हैं एक ह्यूमन ब्रेन ना 600 से 700 वर्ड्स एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ह्यूमन ब्रेन को एक ब्रेक चाहिए होती है, तो
तो अगर आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन की बम्बारमेंट करेंगे, सारी ओरिफ्लेम के बेनिफिट्स उनको बता देंगे, ना उनको समझ आएगी और आप खुद भी ठीक तरीके से नहीं समझा पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप उनको बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको रूल बताया आज का, आइडेंटिफाई वो चाहते क्या, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, ट्राई टू फाइंड आउट कि कितनी देर काम करना चाह रहे हैं, कब काम करना चाह रहे हैं, उनके फ्री आवर्स कौन से हैं। ये वाला अगर आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं, देन आई नीड टू नो फ्यू डिटेल्स, वो क्या है, कौन सी जॉब कर रहे हैं, कितना टाइम इनके पास फ्री होता है, किस चीज में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कितनी अर्निंग करना चाह रहे हैं, उनका पर्पस क्या है। आई विल आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन आई विल रिकमेंड समथिंग टू हिम। ठीक हो गया जी सर, नॉलेज वाली सेंड करें, नॉलेज वाली मैंने भी आपको स्क्रीन पे दिखा दी है, आई होप कि आपने उसके ले लिया है जी। सर ये स्लाइड में जो सेकेंड है उसको अगेन शो करें। अच्छा जी मैं एक दफा दोबारा ही आपको दिखा देता हूँ साथ साथ स्लाइड। ये देखिएगा जी, ये सेकेंड आ गया यहाँ पे, और सॉरी ये आपके पास यहाँ पे सेकंड आ गया। अच्छा जी जी मुझे भी लगता है जी वो मुझे बोली के गाइड करूँ के प्रोडक्ट अच्छी नहीं है जी। अच्छा जी सर मैं करीब ही एक पार्लर में मैं जी और अपने ओरिफ्लेम वर्क को के बारे में बताया कि वो भी लोगों को गाइड करें जी। प्लीज प्लीज आप कर सकते हैं, पार्लर में जाएंगी आप, शायद आप ये लिखना चाहती हैं प्रॉब्ली, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि लिखा क्या हुआ है। सर मुझे लगता है जी बिल्कुल ठीक है सर, इन्फॉर्मेशन सर ठीक हो गया जी। आई होप कि आप सबके क्वेश्चंस एड्रेस हो गए टू सम एक्सटेंड। सेकेंडली जो मैंने आपको बताया है, ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू पीपल, बिल्ड अप द बेस एंड देन ट्राई टू टॉक टू समबडी, फिर आप चीज रिकमेंड कर सकते हैं और बता सकते हैं विदाउट नोइंग द। देखिए अगर मेरे पास एक चीज है, मैं आपको सिर्फ वो बता देता हूँ कि ये अवेलेबल है जी, तो आप जरूरत नहीं होगी तो आप जबरदस्ती लेंगे ना फिर उसको। ठीक है, यू नीड टू डेवलप एंड आइडेंटिफाई कि दूसरे शख्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऑलवेज फोकस ऑन योर इमेज, अपने ब्रांड इमेज पे फोकस करें, और ऑलवेज भी सोल्यूशन ओरिएंटेड, आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना लोगों को, उनको आपने अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचनी, ये अपने माइंड में रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका ब्रांड इमेज भी बेहतर होगा और आपके कस्टमर भी इंटरेस्टेड होंगे। और वंस अगेन ये सब चीजें आप नहीं कर सकेंगे अगर आपके वो प्रोडक्ट नॉलेज सिस्टम नॉलेज नहीं होगा। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे जी, थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन रह गया डोंट वरी, इट्स नॉट वन सेशन, इंशाल्लाह ताला हम सेशन इस तरह के करते रहेंगे और मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जी। ठीक है जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग जी, अपना ख्याल रखिएगा, फी मान लाला जी, अल्लाह हाफिज़।